नमस्कार, स्पीकर हैं चार और स्टीरियो एम्पलीफायर है सिर्फ एक, क्या करें? या फिर दो स्पीकर ड्राइवर और एक मोनो एम्पलीफायर, भैया कैसे कनेक्ट करें? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। तो चलिए आज इस दुविधा का भी समाधान कर ही देते हैं। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं शम्मी डैंग जी, तो कुछ दिनों पहले इन्होंने मुझे कहा था कि आपके आगे आने वाले किसी वीडियो में आप बताइएगा कि सेम ओम्स के स्पीकर्स को यदि आपस में जोड़ें तो सीरीज और पैरेलल पे ओम्स पे क्या असर आएगा और किस तरह हम एम्पलीफायर से मैच कर सकेंगे। शम्मी डैंग जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये टॉपिक दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सीरीज वायरिंग कैसे की जा सकती है। तो अब मान लेते हैं कि हमारे पास दो स्पीकर हैं और दोनों 100 वॉट्स 4 ओम्स के हैं। तो यहाँ जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो है ये कि टोटल इम्पीडेंस इक्वल्स टू Z1 + Z2, जहां पर जी से तात्पर्य हुआ इम्पीडेंस, जी इक्वल्स टू इम्पीडेंस, जो कि हमारे केस में है 4 ohms + 4 ohms, तो टोटल वैल्यू हुई 8 ohms, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में टोटल इम्पीडेंस ऐड हो जाती है और वॉट्स ऐड नहीं होते, बल्कि जिस स्पीकर का वॉटेज सबसे कम होगा वही टोटल पावर हैंडलिंग कैपेसिटी में काउंट होगा। तो जैसे कि यहां हमारे पास 200 वॉट्स के स्पीकर हैं, तो इसलिए यहां टोटल पावर हैंडलिंग हमें 100 वॉट्स की ही मिलेगी। तो चलिए अब इस कम वॉट्स और अधिक वॉट्स के कंफ्यूजन को भी दूर कर देते हैं। अब यदि हमारे पास 3 स्पीकर ड्राइवर है, उनमें से एक है 4 ohms और 50 watts का और बाकी के 2 8 ohms और 100 watts के, तो क्या रिजल्ट आएगा? तो वहां पर जो फॉर्मूला लगेगा उसके हिसाब से जो रिजल्ट आएगा वो होगा इस तरह से, Z total equals to Z1 + Z2 + Z3, मतलब 4 ohm + 8 ohm + 8 ohm, जो कि हुआ 20 ohms, और वोल्टेज होगा सिर्फ 50 watts, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में जिस भी स्पीकर के सबसे कम वॉट्स होंगे तो उतने ही टोटल वॉट्स की पावर हैंडलिंग की जा सकेगी। अब बात करते हैं पैरेलल वायरिंग के बारे में। अब यदि 4 ohms 100 watts के 2 स्पीकर हैं, तो यहां जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो है ये। तो यहां क्योंकि हमारे पास 2 4 ohms के स्पीकर ड्राइवर थे, तो इसलिए हमें मिले 2 ohms, और क्योंकि पैरेलल वायरिंग में वोल्टेज ऐड हो जाते हैं तो इसलिए टोटल वोल्टेज हुआ 200 watts। अब यदि हमारे पास 4 ohm 50 watts का एक स्पीकर है और 2 स्पीकर 8 ohm 100 watts के हैं, तो पैरेलल वायरिंग में हमें जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो होंगे कुछ इस तरह। यहां जो फॉर्मूला लगेगा वो है 1/Z total = 1/Z1 + 1/Z2 + 1/Z3, तो टोटल इंपीडेंस हुई 2 ohms। तो अब जैसा कि पैरेलल वायरिंग में वॉट्स ऐड हो जाते हैं, तो यहां P total = P1 + P2 + P3, जहां P से तात्पर्य हुआ पावर, तो इस हिसाब से हमारा P टोटल हुआ 250 watts। तो यहां हमें 4 ohm 50 watt का एक स्पीकर और 8 ohm 100 watt के 2 स्पीकर से टोटल पावर हैंडलिंग मिलेगी 250 watts की 2 ohms के साथ। अब जैसा कि पैरेलल वायरिंग में इम्पीडेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला थोड़ा मुश्किल है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला क्या है वो समझते हैं। फॉर्मूला है 1/Z total = 1/Z speaker 1 + 1/Z speaker 2 + 1/Z speaker 3, प्लस आगे जितने भी स्पीकर हों उन्हें इसी तरह ऐड करते जाना है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि यहां Z अल्फाबेट से तात्पर्य हुआ इम्पीडेंस यानी ओम्स। तो अब एक उदाहरण लेते हैं 2 स्पीकर ड्राइवर्स का, एक है 8 ओम्स का और दूसरा है 3 ओम्स का, तो यहां ये फॉर्मूला लगेगा। अब इस फॉर्मूला में हम वैल्यूज डाल देते हैं। टोटल वैल्यू निकालने के लिए यहां पहले स्पीकर की इम्पीडेंस हमने डाल दी जो कि थी 8 ohms, और फिर यहां दूसरे स्पीकर की इम्पीडेंस डाल दी जो कि थी 3 ohms, फिर दोनों में कॉमन डिनोमिनेटर निकालेंगे। अब फ्रैक्शंस को एडजस्ट करेंगे जिससे कि हमें कॉमन डिनोमिनेटर मिल सके। तो उसके लिए यहां इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 1 और डिनोमिनेटर 8 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो वैल्यू आई 3/24, और फिर यहां इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 1
और डिनोमिनेटर 3 को मल्टीप्लाई किया 8 से तो वैल्यू आई 8/24। तो अब दोनों फ्रैक्शंस को कंबाइन करेंगे तो ऊपर की वैल्यूज ऐड हो जाएंगी और नीचे की वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो रूल के हिसाब से डिनोमिनेटर ऐड नहीं किए जाते बल्कि कॉमन डिनोमिनेटर को ज्यों का त्यों ही रखा जाता है, जो कि हमारे केस में हुआ 24, जिससे अब रिजल्ट मिलेगा 11/24। अब हमें Z टोटल निकालने के लिए रेसिप्रोकल करना होगा, यानी कि वैल्यूज को इन्वर्ट कर देना होगा या यूं कह लो कि पलट देना होगा। तो वो हुआ 24/11। तो अब 24 को 11 से डिवाइड करने पे जो रिजल्ट आएगा वो होगा लगभग 2.18 ओम्स। तो इसी तरह से फॉर्मूले का उपयोग करके पैरेलल वायरिंग में इम्पीडेंस को अब हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यदि मुझे कुछ स्पीकर्स पैरेलल में और कुछ स्पीकर सीरीज में कनेक्ट करने हो तो भैया वो कैसे करेंगे? तो ऐसा करने के लिए जरूरी है कि सभी स्पीकर्स सेम वोल्टेज और सेम इम्पीडेंस के हों। मतलब यदि 4 ओम्स और 100 वॉट्स के 4 स्पीकर हों तो वहां हमें इस तरह से कनेक्शन करने पे टोटल 4 ओम्स और 400 वॉट्स की पावर हैंडलिंग मिलेगी। अब जैसा कि इस वीडियो में मैंने पैरेलल और सीरीज वायरिंग के जो डायग्राम्स आपको दिखाए वो सभी थे मोनो एम्पलीफायर के हिसाब से, यानी कि एक चैनल के हिसाब से। अब यदि आपके मन में सवाल आ रहा हो कि भैया स्टीरियो एम्पलीफायर के साथ कनेक्शन करने के लिए इम्पीडेंस निकालनी हो तो क्या करेंगे, तो उसका जवाब है ये कि स्टीरियो एम्पलीफायर में होते हैं 2 चैनल्स। तो दूसरे चैनल में कनेक्शन करने के लिए यदि इम्पीडेंस कैलकुलेट करनी हो तो वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह से की जा सकती है जिस तरह से मैंने अभी आपको इस वीडियो में करके दिखाया है। पर्सनली मैं सीरीज कनेक्शन अवॉइड करता हूं और पैरेलल कनेक्शन को प्रेफर करता हूं। अब यदि आपको DIY करना हो तो बेहतर यही होगा कि आप स्पीकर ड्राइवर कुछ इस तरह से परचेज करें कि पैरेलल कनेक्शन करने पे जो टोटल इम्पीडेंस आए वो आपका एम्पलीफायर आसानी से हैंडल कर सकता हो। चलो भैया ये सब तो ठीक है, अब यदि हमको एम्पलीफायर के साथ स्पीकर्स को मैच करना हो तो तब क्या करेंगे? तो बस ये वीडियो देख लेना जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि कैसे हम एक स्पीकर को एक एम्पलीफायर के साथ मैच करा सकते हैं। अब एक सलाह और दूंगा कि इस वीडियो को अपनी प्लेलिस्ट में सेव करके रख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो मैंने बातें बताई वो काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल हैं तो वैसे तो याद रहेंगी नहीं, तो जब भी जरूरत पड़े आप प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। अब यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो भैया नीचे जो लाइक का बटन लगा है उसको जरूर दबा देना, और यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोग से आज्ञा लेना चाहता हूँ, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।